बच्चे को जरा सा बाहर छोड़ी थी तो गली में ऐसा दुकान को गए था, दुकान को गए तो हाँ पकड़ा करता है कुत्ता, लेकिन वो कुत्ते बहुत हो गए हमारे गली में, ऐसे कुत्ते हो गए कि दो चार जनों को काटे वो कुत्ते। हाँ, ये वीडियो हम शाहबाद के लोहार गली से जहाँ पर ला रहे हैं आपको, एक ऐसी मासूम बच्चा यानी 3.5 साल का ये बच्चा है और इसे कुत्ते ने फाड़ दिया। यानी कि देखिए सर की जगह इतनी सेंसिटिव होती है और यहाँ का स्किन बहुत हार्ड होता है, लेकिन कुत्ते ने इस तरह से इसे फाड़ दिया है कि आपको अंदर का स्कल तक दिख रहा है, यानी इतना डेंजर यह हादसा। उसके बाद उसके हाथ को भी कतर दिया है। ये बच्चा जो है दुकान से, करीब की दुकान से कुछ लाने जा रहा था, ऐसे में एक कुत्ता इसे लपट लिया है। इनके जो फादर है 500 रुपये पर डे के हिसाब से जॉब करते हैं और माँ भी जो है घर पर ही रहती है, बेसिक वर्क करती है, लेकिन ऐसे में इन लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल आने के बाद भी इस बच्चे का नाम उनके राशन कार्ड में नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। फिर उसके बावजूद भी गोहाज फाउंडेशन उनके साथ जुड़ा है, उनका कंटिन्यू टच में है जो भी उनके साथ होने वाला, लेकिन ये सब बातों को हटाते हुए ये कुत्तों का कहर आखिर कब तक रहेगा? इंसान अहमियत का है या फिर जानवर अहमियत का है, ये हमें डिसाइड करना बहुत जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आज किसी मासूम का बच्चा रहा तो जो है ठीक है, लेकिन किसी बड़े बाप की अगर ये औलाद होता तो ये आज ये किस्सा कितना बड़ा हो जाता था। लेकिन मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं कि हर एक की जान बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कुत्तों का कहर को और कितना बढ़ना चाहिए, मतलब कितनी देर तक हम इंतजार करें कि इस पर एक्शन लिया जाए, इस पर गौर और फिक्र करना चाहिए। शाहबाद ही नहीं, गुलबर्गा ही नहीं, बल्कि बहुत जगहों पर कुत्तों की आबादी बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से डे बाय डे ऐसे इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मट्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केवीएन यूनिवर्सिटी, इमरान सिल्क हाउस, भारत चिकन सेंटर, अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बेग न्यूरोसाइकेट्री हॉस्पिटल एंड बाय रिच टी, स्वाद में रिचनेस। आप कहाँ से? शाहबाद से। क्या हुआ बच्चों? कुत्ता काटा। कब काटा? कल शाम में 6 बजे। कहाँ पे काटा? हमारे लोहार गली शास्त्री चौक शाहबाद में। कितने साल का बच्चा? 3.5 साल का। क्या नाम बच्चा? कृष्णा, कृष्णा है नाम हो। कल मैं घर में काम करने लगी थी, हमारे घर वाले भी काम को गए थे, 500 रुपये में रख के आते रोज उन्हों, तो बच्चे को जरा सा बाहर छोड़ी थी तो गली में ऐसा दुकान को गए था, दुकान को गए तो हाँ पकड़ा करता है कुत्ता, लेकिन वो कुत्ते बहुत हो गए हमारे गली में, ऐसे कुत्ते हो गए कि 2-4 जनों को काटे वो कुत्ते। हाँ, ऐसे अभी आया था ना काटे, उसको काटा और 2-4 जनों को काटे, ऐसे बच्चों को भी काटने लग गया, लेकिन गली में कुत्ते कौन लाके छोड़ रहा वो मालूम नहीं हो रहा। तो तुम्हारे जो भी पंचायत वाले जो भी आते हैं वो लोग कुछ भी रिस्पांस नहीं कर रहे उसके बारे में, कुछ बोल रहे नहीं? पंचायत बोले तो देखते कुत्तों को हमारे लोग को मार रहे थे, और क्या कर सकते हैं, इस तो यही है कि सरकार क्या है इस पर फैसला लेना, और क्या बस। आप देखो हम क्या है, घिसाड़ी है, करके खाने वाले, हमारे क्या की एसटी बड़ी हो गई है, लेकिन हम करके खाने वाले थे ना, हमारे को क्या है गवर्नमेंट से क्या तभी है हमारे को लागू हो गए हमारे को क्या तभी, बस हमारे बच्चों को लोग को दिखाते हैं हमारे पैसा खर्चा कर रहे हैं बस। डॉक्टर्स क्या बोले बस उन्होंने जो है उनका करे ट्रीटमेंट करे, अब जरा सो गवर्नमेंट से उनका हमारे बच्चे का कुछ भी नहीं है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड में नाम नहीं है, क्या है तो गवर्नमेंट से बंद ही था राशन कार्ड, तो इसलिए हमारे बच्चे का नाम नहीं डाले, और क्या है वो कास्ट इनकम हम नहीं बनाए, अभी छोटा है हमारा बेटा बोल के, इसलिए वो नहीं जमता बोले उन्होंने, पैसे भरो 1300 रुपये का एक इंजेक्शन है। तो टोटल कितने इंजेक्शन लेना है बच्चे को? एक तो दिए जस्ट, अब कितने इंजेक्शन अभी कितना है मालूम नहीं सर। बोलो, मेरा नाम है अनुसया, मेरा पति का नाम है संतोष, मेरा छोटे बेटे का नाम कृष्णा, मेरी बीच वाली बेटी का नाम रूपा, मेरे बड़े बेटे का नाम गोपाल। कहाँ से? शाहबाद से है। शाहबाद में कौन सा रहोगे? लोहार गली। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KVN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Alshare Group of Institutions, Beg Neuropsychiatry Hospital, and by Rich Tea, Swad Mein Richness.